वानर भयभीत होकर युद्ध छोड़ने वालों में से तो नहीं लगता, तो फिर ये क्या कर रहा है? कुछ तो अवश्य करने वाला है ये वानर। ये वानर क्या कर रहा है? जो भी कर रहा है विद्युत और अग्नि की गति को कहां परास्त कर सकेगा? इसका पीछा करते रहो। अब तुम दोनों एक दूसरे को मिटाओगे। तुमने अकस्मात मेरी सहायता क्यों की? बताओ मुझे, तुम क्या चाहती हो? क्या गुप्त योजना है तुम्हारी? प्रभु श्री राम और माता सीता के एकांत को भंग करने की चेष्टा तो नहीं है ना? क्योंकि मैंने माता पार्वती को आश्वस्त किया था कि मैं प्रभु और माता के एकांत का सुख सुनिश्चित करूंगा। स्नान ग्रहण करो प्रिय, ताकि इन पुष्पों से मैं आपको सुसज्जित कर सकूं। प्रीत के छन लाया एकांता, निकट परस्पर राघव सीता। पुष्प आभूषण राम बनाए, स्वयं सहर्ष सिय को पहनाए। सीता सजित सुमन मनोहर, देखी राम को प्रेम से भर कर। पुलकित कमल नयन रघुराई, मधुर मिलन की बेलाई। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि इन पुष्पों ने आपका सौंदर्य निखारा है या आपके सौंदर्य से मिलकर इन पुष्पों का निखार बढ़ा है। मेरा श्रृंगार तो आप ही है इरफान, और रही बात इन पुष्पों की, तो इनका कर्तव्य है कि सबके जीवन प्रसन्नता सुगंध और रंगों से भर देना, जैसे हम सब अपने जीवन में रंग भरते हैं। तो आपकी अपने पुष्प प्राप्त करने की इच्छा है जो अयोध्या के राजभवन में खिले? प्रत्येक पत्नी का धर्म होता है स्वामी, अपने स्वामी के वंश का विस्तार करना। मैं भी आपके वंश का विस्तार करना चाहती हूँ। प्रिय, अपनी संतान की कल्पना ने ही मुझे आनंदित कर दिया है। आप मुझे संतान देंगी, किंतु मैं आपको क्या उपहार दूं जिससे आपको प्रसन्नता हो? स्वामी, आपको चित्रकूट के समीप का वन स्मरण है, जहाँ हम स्वच्छंद विचरण करते थे? वहाँ ऋषि मुनि, उनके परिवार, उनके आश्रम स्मरण है आपको? जहाँ की शांति आज भी मुझे आकर्षित करती है, मुझे वहाँ जाकर वहाँ के निर्मल फल आदि का सेवन करने
निर्मल पावन गंगा जल का पान करने की अत्यंत उत्कंठ इच्छा है मेरी। वहाँ के ऋषि मुनियों के आशीष पाकर मैं हमारे जीवन के इस नए अध्याय को प्रारंभ करना चाहती हूँ। ना आपकी किसी भी इच्छा को मैं कैसे मना कर सकता हूँ वैदेही? आपकी इच्छा यदि वहां जाने की है तो आप वहां अवश्य जाएंगे। मैं शीघ्र ही व्यवस्था करूंगा। क्या हुआ देवी? देवी सीता ने ये क्या मांग लिया? यद्यपि वो तो प्रभु श्री राम के साथ वहां जाना चाहती है, किंतु कह गई कि मैं वहां जाना चाहती हूँ। और प्रभु श्री राम ने उनकी इच्छा को स्वीकार भी कर लिया। इसलिए अपनी इच्छाओं को समझना और उसे उचित रूप से व्यक्त करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा जो इच्छाएं आपके हृदय के सबसे निकट होती हैं, वो सदा सत्य हो जाती है और बाद में पछताने पर विवश होना पड़ता है। इच्छा तो मेरी ये है कि इस रक्त रोम का सामना शीघ्र अतिशीघ्र उस वानर हनुमान से हो जाए। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। कहां रह गई वो? वानर को लेकर यहां आई क्यों नहीं अब तक? जाओ और जाकर देखो कहां रह गई वो नागकन्या। उसको और उस वानर हनुमान को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। जाओ। अभी तक तो तुम मुझसे संघर्षरत थी, फिर अकस्मात से तुमने मेरी सहायता क्यों की और अब इतनी भयाक्रांत क्यों हो? बताओ मुझे। क्योंकि वो इतने पर ही नहीं रुकेगा हनुमान, वो कभी नहीं रुकेगा। ये कैसे भूल गई थी मैं? और अब वो अपने से भी अधिक बलशाली राक्षस बहुबाहु सर को भेजेगा। कौन भेजेगा बहुबाहु सर को? कौन है जिससे इतनी भयभीत हो तुम? क्या है तुम्हारा रहस्य, बताओ मुझे। वो जितना ही बलवान है उतना ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा और ना ही मेरे राज्य के प्रजा को। किंतु वो है कौन जिससे आप इतनी अधिक भयभीत हैं? रक्त रोम, बहुत ही भयानक और धूर्त राक्षस है रक्त रोम। हम पर आक्रमण हो रहा है पिताश्री। दुष्ट राक्षस, हमारा नागलोक तूने तहस नहस कर डाला, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। नागराज, मैं हूं रक्त रोम, कर देता हूं सबको। हो मेरे नेत्रों के समक्ष ही उस दुष्ट ने मेरे पिताश्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं विवश बहुबाहुसुर के जाल में फंसी देखती रह गई। बहुबाहुसुर? हाँ हनुमान, आठ भुजाओं वाला मायावी सागरीय असुर है वो।
उसकी भुजाओं में विचित्र मायावी शक्ति है। जो भी उसकी भुजाओं में फंसता है उसकी शक्ति उस असुर की देह में खिंच जाती है और फंसने वाला वो पुण्यता शक्तिहीन हो जाता है। बड़ा ही विचित्र है ये आठ भुजाओं वाला असुर। फिर क्या हुआ? रक्तरोम मात्र ही मेरा राज्य ही नहीं छीनना चाहता था अपितु हमारी नाग सेना पर भी स्वामित्व चाहता था और इसलिए उसने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह का प्रस्ताव? हमारे नागलोक में ये परंपरा है कि जो भी राजा की पुत्री से विवाह करेगा वही नागलोक का अधिकारी होगा और समस्त नाग और उसका स्वामित्व स्वीकार कर लेंगे। फिर क्या आपने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? ना 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 कदापि। मैं हूँ रक्त रोम, कर देता हूँ सबको। नाग कन्या, तुम्हारी एक नाग लोक के प्रत्येक नाग की मृत्यु का कारण बन जाए। तुम्हारे मृत पिता की भांति काट डालूंगा यहाँ के सभी नागों को। विचार करो नाग कन्या, कल्पना करो क्या हो सकता है तुम्हारे समस्त नाग लोक की प्रजा का क्या होगा तुम्हारी एक छोटी सी ना से। और इसलिए तुम्हें हाँ कहना ही होगा और हाँ करने के लिए मैं तुम्हें कल प्रातः तक का समय दे रहा हूं। अन्यथा उसके पश्चात विध्वंस होगा, महासंहार होगा इस समस्त नाग लोक के नागों का। बहुत ही धूर्त है रक्तरोम। फिर क्या हुआ? रक्तरोम के विवाह प्रस्ताव और मुझे यहां तक लाने में क्या संबंध है? रघुनंदन, वैसे तो आपके सभी कार्य करते हुए हनुमान की प्रसन्नता देखते ही बनती है। जैसे उन्हें आपकी सेवा करके संसार के सभी सुख प्राप्त हो रहे हो। किंतु आज अभी तक वो नहीं आए। आश्चर्य तो मुझे भी हो रहा है, कहाँ है हनुमान? बहु बाहुसुर की भुजा, आठ भुजाओं वाला मायावी सागरीय असुर है वो। उसके भुजाओं में विचित्र मायावी शक्ति है। जो भी उसके भुजाओं में फंसता है उसकी शक्ति उस असुर की देह में खिंच जाती है। स्वयं को बड़ा चतुर समझते हो वानर, किंतु तुम बहु बाहुसुर से नहीं बच पाओगे। ये वानर इस बहु बाहुसुर का सामना कैसे कर पाएगा? स्वामी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कोई बातें पुत्र हनुमान को अच्छी नहीं लगी हो या उनके मन को चुभ गई हो और वो। प्रिय, हनुमान जितना भावुक और भोला है उतना ही समझदार भी। ये क्या छोड़ रहा है अपने रोम क्षेत्रों से? ये तो महाघातक विष जल में छोड़ रहा है जो सहस्त्र नागों के विष के समान है।
और जो समस्त जलचरों को ही नहीं, हम दोनों को भी विषाक्त कर देगा। ये दुष्ट असुर तो अकारण ही निर्दोष जीवों के प्राण हर लेगा, किंतु हनुमान ऐसा नहीं होने देगा। शक्ति ही नहीं, युक्ति में भी अद्वितीय है हनुमान। बहु बाहुसुर के विष से उसी को विषाक्त बना दिया। ये तो विष के प्रभाव से मुक्त हो गया। ये तो अनर्थ हो गया। बहु बाहुसुर ने हनुमान को बाहुपाश में बांध लिया। अब हनुमान की शक्ति इस असुर को और अधिक शक्तिशाली बना देगी। तुम्हारा अनुमान सत्य है नाग कन्या, इसी की शक्ति से मैं और अधिक बलवान हो गया हूँ। देखोगी मेरी शक्ति। अच्छा किया तुमने नाग कन्या, जो रक्त रोम के कहने पर तुम इस वानर को यहाँ ले आई। तुमने अपना कार्य कर दिया। अब इस वानर के टुकड़े करके मैं रक्त रोम का कार्य पूर्ण करूंगा। तुम्हारी शर्त पूर्ण हुई। शर्त? कैसी शर्त? मैं बताता हूँ वानर, शर्त के अनुसार अब नाग कन्या को विवाह करना पड़ेगा रक्त रोम से, और तब रक्त रोम नागलोक की नाग सेना की सहायता से राम और उसकी अयोध्या को मिटा देगा। मेरे प्रभु को मिटाने का स्वप्न देख रहे हो समुद्र कीट? अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें श्री राम की शक्ति के प्रताप से उनका ये भक्त क्या करता है। पुत्र हनुमान अभी भी हमें एकांत में साथ रहने का समय दे रहे हैं। स्वामी, मैं आपके लिए पान लेकर आती हूँ। अपने प्रियतम को अपने हाथ से खिलाऊंगी पान। ओ, ये राजसभा में जाने का घंटा भी अभी बचना था। प्रिय, समय हो गया है राजकार्य का। राजा को दिनचर्या के संबंध में अनुशासन का पालन करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा अन्य कर्मचारी भी अनुशासन भंग करने लगते हैं। अभी सरयू नदी के तट पर जाकर स्नान एवं संध्या वंदन करूंगा, तभी समय पर राजसभा पहुंच पाऊंगा। अभी नहीं प्रिय, आपको तो ज्ञात है मर्यादा ही आपके रघुनंदन की पहचान है। राजा को राजधर्म एवं अनुशासन के प्रति पूर्ण निष्ठा, कर्मठता एवं सेवक भाव रखना अति आवश्यक है।
आज कुछ विचित्र सा आभास क्यों हो रहा है मुझे, जैसे कोई अनिष्ट घटने वाला। पुत्र हनुमान को यहाँ होना चाहिए था, कहाँ रह गए पुत्र हनुमान? अब तुम्हें तुम्हारी करने का फल अवश्य मिलेगा दुष्ट। तुम्हारी इस वानर घुड़की का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम मेरा आहार बनने वाले हो। आश्चर्य है कि बहुबाहुसुर का घातक विष भी हनुमान का कोई अहित नहीं कर सका। जय श्री राम। इस असुर की भुजाओं ने इसे ही जकड़ लिया है, अब इसकी देह की संपूर्ण शक्ति खींच लेगी इसकी भुजाएं और ये शक्तिहीन हो जाएगा। इसकी भुजाएं ही इसकी मृत्यु का कारण बन जाएंगी। मुझे शीघ्र अति शीघ्र रक्त रोम को मारकर एवं नाग कन्या का रहस्य जानने के पश्चात प्रभु के पास वापस लौटना होगा। अधर्म और अधर्मी का साथ देने पर स्वयं की शक्ति भी अंत का कारण बन सकती है, इसलिए कोई कितना भी शक्तिशाली हो उसे अपनी शक्तियों का प्रयोग ना अधर्म के लिए और ना ही अधर्मी के लिए करना चाहिए।